नमस्कार। कन्या राशि पर वीडियो बनाना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक विदेशों में और भारत में भी जो रह रहे हैं उनकी बहुत सारी डिमांड आई है कि कन्या राशि पर जनवरी मास में मकर संक्रांति के बाद किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन खास तौर से हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत वेल क्वालिफाइड ज्योतिष के एनालिसिस को बहुत अच्छी प्रकार भली भांति समझने वाले हैं और उन बुद्धिजीवी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए कन्या राशि पर कुछ विशेष बातें बताऊंगा। आशा है आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसी के अनुरूप अपना दिनचर्या को पालन करेंगे। सन 2024 नया वर्ष है, उत्साह का वर्ष है, आपके लिए बहुत शुभ होगा ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि आपके लिए इस वर्ष अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी शुरू से ही आ रही है और आएंगी। सबसे बड़ा समाचार 13 तारीख से शुरू करता हूं जनवरी को लोहड़ी की शुभकामनाओं के साथ। 14 तारीख को मकर राशि में आपके सूर्य का प्रवेश होगा जो आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, यह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। 16 तारीख को मंगल गोचर में उदय होगा, अस्त हो रहा था इसलिए यह आपके चतुर्थ भाव में थोड़ा अशांत करने वाला होगा। प्लस पॉइंट यह है कि 14 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में एक महीने से चल रहा जो सूर्य है उसका परिवर्तन हो चुका होगा, इसीलिए अकेला जो मंगल है वो उच्चाभिलाषी होकर के पंचम भाव की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ साथ 18 तारीख को मंगल के उपरांत 16 को जब मंगल हो जाएगा 18 को शुक्र आपके द्वादश भाव में ना होकर के आपके चतुर्थ भाव में होगा। द्वादश भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है, द्वादश भाव पर तो बृहस्पति की दृष्टि है और शनि की, लेकिन जो धनु राशि में चतुर्थ भाव में जब कन्या राशि के लिए चतुर्थ में आएगा शुक्र तो आपको सुख के साधन अच्छे अच्छे गिफ्ट और घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बनाएगा। 24 तारीख को ही सूर्य आपके मकर राशि में संचरण करेंगे इसलिए आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। पुत्रदा एकादशी पर इस वर्ष कन्या राशि वालों को अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम होंगे क्योंकि उस दिन रोहिणी नक्षत्र कन्या राशि वालों के नवम भाव शुक्र की राशि है वहां पर चंद्रमा विचरण कर रहा होगा, तो भाग्य स्थान पर जब चंद्रमा विचरण करता है तो शुभ फल देने वाला होता है क्योंकि पुत्रदा एकादशी से 3 दिन पहले आप तनाव ग्रस्त रहेंगे और पुत्रदा एकादशी ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होगी। षट तिला एकादशी कहा गया है इसको, ये 6 फरवरी को होगी और माघ मास में होगी। इसी के साथ साथ मौनी अमावस्या में महोदय योग बनेगा, वो आपके लिए एकदम बहुत अच्छा परिणाम देगी। ये जो पुत्रदा एकादशी की हम बात कर रहे हैं ये 21 जनवरी को आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाली होगी। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, उसके अगली जो अमावस्या होगी वो होगी दूसरी एकादशी षटतिला। तो हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की, उस दिन महोदय योग होगा, आपके पंचम भाव में चंद्रमा का और 4 ग्रहों का योग होगा चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में आपको शुभ परिणाम देने वाले ग्रह होंगे, आपके पंचम भाव में शुक्र जो है मकर राशि में आ जाएंगे।
13 तारीख को सूर्य आपके छठे भाव में होंगे, शनि और सूर्य दोनों, ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और आपकी राशि का स्वामी बुध 19 तारीख को परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 22 फरवरी को आपके लिए अच्छे अच्छे परिणाम क्यों मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके उस दिन एकादश भाव लाभ स्थान पर जो इनकम का स्थान है, रुका हुआ धन मिलता है। अगर आपको पुखराज पहनना है और 1.5 लाख रुपया का पुखराज महंगा नहीं पहन सकते, तो उस दिन गुरु पुष्य योग में आप केले के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के पीले वस्त्र में बांध करके अपनी भुजा में रखें, पर्स में रख सकते हैं, या गले में पीले वस्त्र में बांध कर रखें, या पूजा के स्थान पर धूप दीप से उनका आवाहन पूजन करें, तो वही आपके लिए भगवान विष्णु का वरदान बन करके पुखराज का काम करेगा। इसलिए आपको ये पूरा मास अपने इष्ट देवता कुल देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की आराधना के साथ व्यतीत करना चाहिए। मकर संक्रांति के इस मास में कन्या राशि के लिए प्लस पॉइंट बनने वाले ग्रह हैं शनि। सूर्य छठे भाव में भी आएंगे फरवरी में, लेकिन राहु और केतु की कन्या और मीन पर संचरण करने के कारण 180 डिग्री 180 अंश पर जो युति इस समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन कन्या और मीन पर जो संचरण है ट्रांसिट मोशन में मीन और कन्या पर, ये इनके लिए कष्ट कारक बना हुआ है, अशांति का कारक बना हुआ है। महिला हो चाहे पुरुष हो, मीन और कन्या राशि वालों को अलग अलग डिटैचमेंट करने वाला जो ग्रह है, ये पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार के वैमनस्य मतभेद पैदा कर सकता है। लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि नौकरी में अगर रह रहे हैं और स्थानांतरण हो जाता है तो वियोग का एक कारण ये भी बन सकता है, इसीलिए स्थानांतरण की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कन्या राशि वालों को अपने इष्ट देवता गणेश जी की पूजा या माँ दुर्गा के कवच अर्गला कीलक स्तोत्र का पाठ करने से आपके ऊपर आने वाली विपदा परेशानी तनाव चिंता कष्ट बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।